बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाने जा रहे हैं, क्लास 8 का। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है बायोलॉजी का। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो मीन्स वेरी टिनी या स्मॉल, बहुत छोटा। ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव, यानी बहुत छोटा जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी टिनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, है ना। ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? ये माइक्रोस्कोपिक है, इतना छोटा है कि इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। व्हिच आर फाउंड एवरी नोवेयर, ये हर जगह पाया जाता है इन नेचर, नेचर में ये हर जगह पाया जाता है। एग्जाम्पल, एयर, वाटर, सॉइल, सरफेस ऑफ द प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, यानी हर जगह ये पाया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी टीनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हिच आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर, है ना। तो ये इतना छोटा जीव है कि इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है और नेचर में यह सभी जगह पाया जाता है, यहाँ तक कि प्लांट में भी पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, सॉइल में, एयर में, ह्यूमन बींग्स में। दे मे बी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर इन नेचर, यह मल्टी सेलुलर यानी एक से अधिक सेल से भी बना हो सकता है और एक सेल से भी बना होता है। देयर आर प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक इन नेचर, यह प्रोकैरियोटिक सेल भी हो सकता है और यूकैरियोटिक सेल भी हो सकता है। आप लोग सेल के चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़े होंगे। प्रोकैरियोटिक मीन्स द ऑर्गेनिज्म या सेल व्हिच आर नॉट वेल फिनिश्ड, अनडेवलप्ड सेल इज कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक, यानी ऐसा सेल जो डेवलप नहीं हो, जिसमें जो ऑर्गेनेल पाया जाता है उसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, है ना, और एक ही क्रोमोजोम्स वगैरह पाया जाता है, तो ये अनडेवलप्ड सेल होता है। यूकैरियोटिक वेल डेवलप्ड सेल, है ना। तो ये दोनों हो सकता है, यूकैरियोटिक भी होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। अब टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर आर फाइव टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, अल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस एंड फंगस, है ना। इसका पांच टाइप है। जिसमें अल्गी और फंगस ये प्लांट ग्रुप में आता है और ये तीनों एनिमल ग्रुप में आता है, ठीक है। तो हम इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये अधिकतर यूनिसेलुलर होता है और प्रोकैरियोटिक होता है। शेप ऑफ द बैक्टीरिया, ये बैसिलस यानी रोड शेप, बैसिलस एक बैक्टीरिया है, ये रॉड शेप्ड होता है, कोकस ये सेफ्रिकल शेप होता है गोल, और स्पाइरिला या स्पाइरल शेप होता है, और विब्रियो जो होता है वह कर्व शेप होता है। तो ये शेप है, है ना, बैक्टीरिया का। अब यहाँ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है? बाइनरी फिजन के द्वारा करता है। तो ये बैक्टीरिया का गुण है, प्रॉपर्टी है, है ना। अब है प्रोटोजोआ, प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड जोआ मीन्स एनिमल, यानी फर्स्ट एनिमल, यानी इसमें वेल डेवलप ऑर्गेन पाया जाता है, है ना, सेल पाया जाता है, इसलिए यह फर्स्ट एनिमल कहलाया। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर भी होता है एंड मल्टी सेलुलर भी होता है, दे आर मल्टी सेलुलर। एरोबिक यूकैरियोट्स सेल वाल इज फाउंड इन प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में सेल वाल भी पाया जाता है। प्रोटोजोआ आर फ्लैजिलेट्स, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। दे में भी आउटोट्रॉप्स या हेटरोट्रॉप्स, ये आउटोट्रॉप भी होता है और हेटरोट्रॉप्स भी होता है। जैसे ये हो गया अमीबा, पैरामीशियम, ये सब प्रोटोजोआ ग्रुप में आता है। अल्गी इज ए प्लांट व्हिच आर यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, अल्गी भी यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर होता है। यूकैरियोटिक एंड ऑब्टेन नर्समेंट बाय फोटोसिंथेसिस, यानी ये जो न्यूट्रिएंट प्राप्त करता है या फोटोसिंथेसिस के द्वारा, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल आर फाउंड, चूँकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल होता है, इसलिए
फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बना लेता है, तो ये ऑटोट्रॉफ भी होता है। दे लिव इन वाटर, डैम्प सॉइल एंड रॉक्स एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है तो ये ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट को बनाता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? वाटर में पाया जाता है, डंप यानी दलदली स्थान पर पाया जाता है, नमी स्थान पर पाया जाता है, मिट्टी में भी पाया जाता है, चट्टान पर भी उगाता है। फंगी, फंगी भी एक प्लांट ग्रुप में, फंगी इज आल्सो इन प्लांट ग्रुप, ये भी प्लांट ग्रुप में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल होता है, मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर होता है। दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो यह डेड और डिकेइंग मैटर से अपना भोजन लेता है। फंगी आर डीकम्पोजर, या डीकम्पोजर भी होता है ना, यानी या डेड बॉडी को क्या कर लेता है, डिकम्पोज करता है, या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल देता है। दे लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसमें फंगस जो है वह अलगी के साथ भी रहता है ना, और उसको या रॉ मटेरियल देता है और उससे यह भोजन लेता है, तो इस तरह के रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी ये पाया जाता है। अब आ गया वायरस स्ट्रक्चर, है ना। ऑल वायरस कंटेन न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, आइदर डीएनए और आरएनए, या ये डीएनए से बना होता है या आरएनए से बना होता है, यानी प्रोटीन कोट, और इस पर प्रोटीन का एक कोट होता है। वायरस इज द पूल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, वायरस जो होता है वह लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक पूल का काम करता है। व्हेन इट इज इनसाइड द बॉडी, जब यह बॉडी के अंदर रहता है, इट क्रिएट्स डिजीज, तब यह डिजीज पैदा करता है, है ना। व्हेन इट इज आउटसाइड द बॉडी, इट स्टॉप लाइफ प्रोसेस, जब यह बॉडी के बाहर रहता है तो यह क्या करता है, अपना लाइफ प्रोसेस को ही बंद कर लेता है, है ना, तब यह कुछ नहीं, तब यह डेड हो जाता है। अब है इसका यूज, कॉमर्शियल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल, या अल्कोहल के प्रोडक्शन में काम आता है, खास करके ईस्ट वाइन इससे बनता है, एंड एसेटिक एसिड विनेगर भी बनता है, है ना। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को यानी सॉइल के उर्वरता को बढ़ाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड नाइट्रोजन फॉर मेकिंग प्रोटीन बाय प्लांट, और प्लांट के द्वारा यह नाइट्रोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वह नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, जो प्लांट के द्वारा प्रोटीन बनाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज टू मेक कर्ड एंड ब्रेड, है ना। ईस्ट का, ईस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस ग्रुप में आता है, जिसका उपयोग जो है वह कर्ड और ब्रेड बनाने में किया जाता है। फर्मेंटेशन यानी अल्कोहल बनाने में जो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन, है ना, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को करने में ईस्ट सहायता करता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वह फर्मेंटेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। इट इज यूज्ड बाय मेकिंग ऑफ द एंटीबायोटिक्स, या एंटीबायोटिक्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। अब इसका हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वे, बहुत तरह से यह हार्मफुल होता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल एंड प्लांट, यह जो है यह ह्यूमन में भी, एनिमल में भी और प्लांट में भी यह डिजीज क्रिएट करता है, डिजीज प्रोड्यूस करता है ना। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड्स डिजीज बाई कैरियर, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह कैरियर के द्वारा जो है वह डिजीज को प्रोड्यूस करता है, फैलाता है। कैरियर क्या होता है, सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा इंसेक्ट या एनिमल जो जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है और उसके काटने से, है ना, उसके लार में या ब्लड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जो ह्यूमन बॉडी को अगर वह काटा तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वह डाल देता है जिससे डिजीज उत्पन्न होता है। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कैरियर में पाया जाता है उसको पैथोजन कहा जाता है। तो कैरियर कौन सा हो गया, जैसे फीमेल एनोफेलिस मस्किटो, है ना,
वो एक कैरियर है, उसमें प्लाज्मोडियम यानी प्रोटोजोआ पाया जाता है। और जब मच्छर काटता है तो क्या होता है, वह ह्यूमन बॉडी के ब्लड में वह प्लाज्मोडियम को डाल देता है और वहाँ वह क्या करता है, मलेरिया फैलाता है। इससे बहुत सारे जो जैसे डॉग है, कुत्ता है, तो उसके लार में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है और कुत्ता के काटने से रैबीज आ जाता है ना, उसके ब्लड में हुआ वायरस को डाल देता है जिसके कारण रैबीज बीमारी होती है। तो इस तरह से बहुत सारे कैरियर और बहुत सारे पैथोजन जो डिजीज को लाता है। धन्यवाद।